वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है गाइस आप लोगों का मेरे इस चैनल में। गाइस जैसा कि आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, कुछ डिफेंस के शेयर्स हैं तो उन पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस एक ये हमारा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजिकल स्टॉक है जिसपे आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि उसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। सो गाइस जैसे कि पहले आज मैं ये बता दूँ आपको, देखो 636 पे इसका प्राइस चल रहा है और आज के दिन हमें 0.59% तक के इसमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। गाइस अगर बात करें इसका 52 वीक का जो हाई रहा था वो 811 रहा था एंड लो 52 वीक का रहा था 523 रुपये रहा था। गाइस पिछले 5 दिन में गाइस में गिरावट देखने को मिली है -1.11% की, और वहीं 1 मंथ की बात करें तो इसने 1 मंथ पे 0.87% तक का ही रिटर्न दिया, उससे ज़्यादा कोई रिटर्न नहीं दिया। गाइस पहली बात तो ये बता दूँ कि इसका जो IPO है वो 2021 में आया था, देखिए 492 पे ये स्टॉक स्टार्ट हुआ था और आज 636 पे पहुँच गया है। गाइस जैसे कि इसने अब तक टोटल 28.92% तक का रिटर्न दे दिया है, मतलब आप कह सकते हो कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर इसने 28% का रिटर्न दिया है। परफॉर्मेंस अच्छी रही है गाइस, ऐसा नहीं है कुछ अच्छा परफॉर्मेंस इसका नहीं रहा है, लेकिन अगर आप क्वार्टर टू के रिजल्ट देखेंगे तो देखिए लाख में फिगर है, ठीक है। इनकम निकल कर आई है 5673 लाख की, जो कि पिछले साल 5064 लाख की, जो उनकी बात करें तो 4172 लाख की थी। तो गाइस जो इनकम है वो ईयरली और क्वार्टरली से हमें देखने को मिल रही है कि काफी ज्यादा अच्छी निकल कर आई है। गाइस एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस निकल गया है 4501 के, जो कि पिछले साल 3989 के, एंड जो क्वार्टर की बात करें 3231 के। मतलब गाइस देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया फिगर जो है लाख में है। तो गाइस वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1172 लाख का है, सो पिछले साल हुआ था इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1075 लाख का, जून के बाद 1941 लाख का। तो गाइस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ईयरली क्वार्टरली से बढ़कर ही आया है। वहीं गाइस नेट प्रॉफिट की बात करें जो कि मेन होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो निकल कर है 813 का, जो कि पिछले साल था 807 एंड जून मतलब 681 लाख का। तो गाइस जो नेट प्रॉफिट है 813 लाख, जो कि बहुत अच्छा मतलब देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा शानदार इसका प्रॉफिट निकल कर आया है। कंपनी ने एक तरीके से प्रॉफिट ही कमाया है इस साल। सो गाइज वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो गाइस देखिए अर्निंग पर शेयर पिछले 2.60 था, जून में 1.81 में और अब 2.79। अर्निंग पर शेयर गाइस क्वार्टरली तो अच्छा है पर थोड़ी सी ईयरली गिरावट देखने को मिलती है। गाइस पावर डिफेंस के बारे में बताऊं तो इसका मार्केट कैपिटल ज्यादा कुछ हाई नहीं है, 2487 करोड़ का ही है। करंट प्राइस इसके मैंने आपको बताया इसका 6 कुछ समथिंग चल रहा है, हाई मैंने आपको बताया था 811 समथिंग था, लो 523 था। गाइस देखिए कंपनी का जो स्टॉक का जो पी है वो 73 रुपीज़ है, लेकिन वही अगर हम इंडस्ट्री के पी की बात करें तो 32 है, जो कि हमें थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। आर ओ सी ज़्यादा गाइस कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि आपको बता रहा है मैंने आप लोगों को बताया आर ओ सी और आर ओ सी ई 15 से अबव ही होना चाहिए तो अच्छा साउंड करता है, वो कंपनी को एक अच्छा मतलब आप भी कह सकते हो प्रोड्यूस करता है, दिखाता है, ठीक है। गाइस देखिए जो आर ओ सी ई है वो 12.4% है, ये भी कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, एंड आर ओ ई 9.23% जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली है। गाइस प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 35% तक का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है एंड कंपनी पे डेप्थ है। गाइस ये कंपनी जो है डेप्थ फ्री नहीं है, कंपनी पे डेप्थ है 29 करोड़ का। डिविडेंड गाइस इसने अभी तक तो कुछ दिया नहीं है, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है। सो गाइस देखिए इंस्ट्रिक्ट वैल्यू जो इसकी 140 आ रही है और इस 140 के रेशियो पे इसको बना रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइस अगर ये इससे नेगेटिव में गया ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कंपनी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से क्वार्टर टू के रिजल्ट अच्छे आए हैं, हो सकता है गाइस आपको इसके स्टॉक में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल जाए। गाइस जैसे कि आप जानते हुए कि डिफेंस कंपनी के बारे में जैसे कि यहाँ पर अबाउट में की पॉइंट में काफ़ी कुछ दे रखा होता है। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ ट्रेडिंग व्यू पे, गाइस देखिए मूविंग एवरेज के मैंने सिंबल लगाए हुए हैं जो इंडिकेटर्स हैं। तो गाइस देखिए जो 21 का जो मूविंग एवरेज है उससे ये नीचे ही एकदम से आप ये बोल सकते हो जो उससे नीचे ही ये वो कर रहे हैं, जो 100 का है और जो 21 का है मूविंग एवरेज है गाइस इससे नीचे ही आप ये कह सकते हैं कि अभी इसका जो स्टॉक है वो चल रहा है। मूविंग एवरेज देखिए गाइस जो कि मेन होता है 21-55 जो कि उससे अभी नीचे ही देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने 21 और 55 के मूविंग एवरेज लगाया है उससे गाइस देखिए नीचे ही देखने को मिल रहा है कि जो स्टॉक है अभी। मैं आपको इतना ही बोलूंगी कि अभी इसमें गिरावट चल रही है तो आप अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम
होल्ड करके रखी है, क्योंकि अभी देखिए रिजल्ट क्वार्टर टू के अच्छे आए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये स्टॉक अभी थोड़ा सा हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है तो और गिरेगा भागेगा नहीं, थोड़ा सा भी और ये गिर सकता है गाइस। देखिए इधर हैमर बना हुआ है, तो हो सकता है अभी धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा उछाल आए, क्योंकि गाइस अगर हम इसके रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करें तो रेजिस्टेंस पॉइंट देखिए 644 का कुछ आता है, ठीक है गाइस। वही अगर इसके हम रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करते हैं जो कि सप्लाई पॉइंट आता है वो हमारा 644 आता है, और डिमांड पॉइंट हमारा गाइस आप कह सकते हो कि 633। अगर कुछ थोड़ा गिरता है 633 तक आता है तो आप इसमें एंट्री का सोच सकते हैं, ठीक है गाइस। बट अगर आप लोगों के पास ये स्टॉक है तो आप इसको होल्ड करके रखें। सो गाइस बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बाय गाइस, थैंक यू।